हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे दैट इज लाइफ प्रोसेस। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एज ए प्लेलिस्ट दैट इज मर्ज करके इसको बना के मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर दैट इज 10 इसमें का जितना भी, इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर 10 का दैट इज लाइफ रिक्रिएशन का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दैट इज इनसाइड द बुक। ठीक है, और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, उसको मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। अगर आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, इनहेलेशन मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी अगर हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, थ्रो नॉस्ट्रिल, जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सराउंडिंग से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, फ्रॉम एयर द ऑक्सीजन विच वी टेक, दिस प्रोसेस नोन एज इनहेलेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं या एयर को अंदर लेते हैं तो वहां पे कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, हम लोग का जो रिब्स होता है वो आउट हो जाता है। जैसे अगर मान लो आप लोग सांस लिए, ठीक है, अंदर एयर लिए, इनहेल किए, तो जो रिब्स होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये जो रिब्स है इस पोर्शन पे, ये रिब्स क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो डायफ्राम है मूव्स डाउन। अब जो डायफ्राम होता है जो कि दो लंग्स के बीच में होता है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है और लंग्स के बीच में क्या होता है, डायफ्राम, कैसे डायफ्राम होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, जब एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो रिब्स क्या होता है, रिब्स बाहर की तरफ आ जाता है और जो डायफ्राम होगा वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डायफ्राम क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका डायफ्राम। ठीक है, ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रीच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और इसका ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या क्या होता है, रीच क्या होता है, रीच बाहर की तरफ आ जाता है और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलिंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन, और अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है प्रोसेस, यहाँ पे एयर फोर्स आउट, यहाँ पे एयर को क्या करते हैं, लोग निकालते हैं। ठीक है, दूसरा रिब्स मूव बैक, यहाँ पे क्या था, रिब्स आउट हो गया था, मतलब आगे की तरफ आ गया था, यही क्या हुआ, रिब्स जो होगा पीछे की तरफ चला जाएगा जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो क्रोनोस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्राम मूव्स बैक, जो डायफ्राम होगा वो जो नीचे आया था वो कहा जाएगा, दैट इज ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये था दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिफोर स्टार्टिंग कैसे कैसे प्रोसेस होता है हमारे, हम लोग
जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाता है, किस प्रोसेस से जाता है, वो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग का जो ऑक्सीजन होता है वो नोज के थ्रू जाता है, तो नोज के थ्रू, नोज में जाने के बाद वो किस में जाएगा, नेसल फेसेस में। जो हम लोग का नोज के अंदर पाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल फेसेस या नेसल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, नेसल कैविटी, ठीक है। अब नेसल कैविटी में क्या होता है, बहुत सारा हेयर होता है, ठीक है, और मुकस भी होता है। वो एयर और मुकस के थ्रू एयर जो आप लोग लेते हो सराउंडिंग से वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले कहा क्या, सबसे पहले जो ऑक्सीजन था या एयर था, सबसे पहले आप लोग क्या किए, एयर को लिए। एयर लेने के बाद में वो एयर किसके थ्रू जाएगा, नोज के थ्रू अंदर, ठीक है। अब वो नोज के थ्रू अंदर गया तो अंदर क्या है, ये अंदर जो पाइप है उसको क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी, ठीक है, नेसल कैविटी, ये वाला पाइप, ठीक है। और वो नेसल कैविटी के अंदर क्या होता है, हेयर होता है, छोटा छोटा टाइप का हेयर होता है, ठीक है। अब वो हेयर और साथ ही साथ मुकस भी होता है, हेयर और मुकस क्या करेंगे, हेयर को फिल्टर कर देंगे, ठीक है। अब हेयर फिल्टर करने के बाद में किस कहां पे जाएगा, कॉर्डेक्स के पास। कॉर्डेक्स मतलब ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेक्स, ये जो पोर्शन होता है इतना पोर्शन तो होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेक्स, ठीक है। अब कॉर्डेक्स की तरफ जाएगा, अब कॉर्डेक्स के बाद ये होता है लार्नेक्स, आगे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं, जिसको आप लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो यहाँ पे निकला होता है, ठीक है। और आप लोग दैट इज वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो फर्नेस में गया, फर्नेस में गया, उसके बाद यहाँ पे और एक होगा, दैट इज आपको याद रखना, फर्नेस एंड लर्नेक्स, लर्नेक्स, ठीक है। तो फर्नेक्स में जाने के बाद वो किस में जाएगा, दैट इज लर्नेक्स में। अब लर्नेक्स में जाने के बाद ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्रकिया। अब ये ट्रकिया जो होता है एक बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज सॉफ्ट बोन से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कभी भी कोलैप्स नहीं होता है, मतलब सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए पाइप है, ये पाइप हो गया, तो देखना आप लोग अगर खाली बोतल प्लास्टिक के लेते हो, ठीक है, और उसमें से हवा निकालते हो जोर से, तो प्लास्टिक का बोतल क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है ना। लेकिन ये जो पाइप है जिसको बोलते हैं ट्रकिया, हमारे अंदर ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन से बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रकिया बोलते हैं, और ये पाइप के थ्रू एयर क्या होता है, पास होता है हमारे, दैट इज ब्रॉन्चिस में, ठीक है, लंग्स में, ठीक है। तो ये जो ट्रकिया है ये कभी भी कोलैप्स नहीं होता या एक्सपांड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका कार्टिलेज सॉफ्ट बोन से बना होता है, ये कभी भी चिपकता नहीं है। चिपकने से क्या होता, चिपकने से एयर पासिंग होता, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद आप ट्रकिया के बाद कहां जाएगा, ब्रोंची में। ब्रोंची कौन सा पोर्शन है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रकिया दो पोर्शन में दिखाई हुआ, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंची, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, ये ब्रोंची दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये ब्रोंची जो है फर्दर पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंची लंग्स, ठीक है। जो ब्रोंची था वो क्या था, फिर से फर्दर पार्ट में डिवाइड हो गया, उस फर्दर पार्ट डिवाइड को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोंची लंग्स, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा एयर जो है, वो जाएगा आपका एल्बोली में, एल्बोली में, ठीक है, एल्बोली, एल्बोली में गया, और एल्बोली के बाद लंग्स के वहां पे ब्लड, ब्लड जो होता है एल्बोली के बाद किसमें जाएगा, दैट इज डायफ्राम, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा, दैट इज हमारे लंग्स में क्या होगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा थ्रू एल्बोली, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होता है हमारा, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एयर सबसे पहले नोज के थ्रू जाता है, नोज के थ्रू जाते ही वो दैट इज नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी में एयर होता है, और क्या होता है, दैट इज मुकस होता है, उससे एयर फिल्टर होता है। उसके बाद एयर कहाँ पे जाता है, हमारा फर्नेस में, इतना पोर्शन फर्नेस में, और फर्नेस के बाद लार्नेक्स में जाता है, उसके बाद ट्रकिया में जाता है, उसका ट्रकिया में जाने के बाद किस में जाएगा आपका, दैट इज ब्रोंची में। ब्रोंची डिवाइड है दो पार्ट, इसको बोलते हैं ब्रोंची, और उसके बाद
जो फर्दर डिवाइड है उसको क्या बोलते हैं ब्रोंचिलस। अब उसके थ्रू एयर जाएगा एयरबोली के पास, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेलून लाइक स्ट्रक्चर एयरबोली में, ठीक है। इनमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे एयर जो होगा क्या होगा यहीं पे क्या होगा ब्लड एक्सचेंज करेगा एयर पे, ये क्या देगा ओटू दे देगा, एयरबोली जो है ये ओटू दे देगा ब्लड को, और ब्लड क्या करेगा उसको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और ऐसे करके प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहते, ठीक है। तो आई होप आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताऊंगा अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद तो अब हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है वो आप लोग इजिली याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा है एयर इज टेकन इन थ्रू द नोस्टिल, एयर को हम लोग क्या करते हैं नोस्टिल के थ्रू क्या करते हैं इन करते हैं, और इन करने के बाद वहां पे जो नोज में एयर प्रेजेंट होते हैं या बोल सकते हैं मुकस, वो क्या करते हैं दैट इज एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद वो फिर किसमें जाता है दैट इज कार्टिलेज ट्रकिया में जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को सुनाया था ये था नोस्टिल, सपोज ये नोस्टिल हो गया, फिर इसके बाद क्या था यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या बोलते थे ट्रकिया, ठीक है। फिर ये ट्रकिया दो पार्ट में डिवाइड था, ठीक है ना, इसको बोलते ब्रोंकी ब्रोंकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जैसे ही नोस्टिल से एंटर हो गया एयर क्या हो गया एयर क्या होगा एयर के थ्रू और मुकस के थ्रू फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिल्टर होने के बाद ये फिर जाके किसमें पास होगा ये ट्रकिया में पास होगा ट्रकिया, ठीक है। अब ये ट्रकिया क्या चीज है, ट्रकिया एक रिंग लाइक कार्टिलेज से बना होता है, वो क्या होता है कभी भी जब एयर को सक करते हैं, ठीक है, जब इन लेते हैं एयर को तो कभी भी कोलैप्स नहीं होता, ठीक है, मतलब सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन भी होता है, ठीक है, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो अब फ्रॉम ट्रकिया एयर मूव टू द लंग्स, अब ट्रकिया के बाद ये ट्रकिया के बाद एयर कहां पे जाएगा लंग्स में, ये हमारा क्या होता है लंग्स, ठीक है। तो ये लंग्स के थ्रू जाएगा लेकिन इसको गुजरना पड़ेगा ब्रोंची ब्रोंची के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंची प्रेजेंट होता है तो ट्रकिया क्या होगा ब्रोंची में दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एयर आपने नोस्टिल से लिया वो ट्रकिया से पास हुआ और ये दोनों पार्ट में जो ब्रोंची ये क्या हो जाएगा एयर पास हो जाएगा हमारे लंग्स में, ठीक है। इसके बाद लीडिंग टू ईच लंग्स हर एक लंग्स में थ्रू ब्रोंची, ठीक है। ब्रोंची क्या करता है जो गैसेस होता है जो एयर आपने नोस्टिल से लिया उसको क्या करेगा दोनों पार्ट में दोनों लंग्स में भेज देगा, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रोंची फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंची लंग्स, फिर ब्रोंची जो है ये जो ब्रोंची है ये वाला ये ब्रोंची जो है ये फर्दर डिवाइड करता है फर्दर डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंची लंग्स, जो क्या बोलते हैं ब्रोंची लंग्स, ठीक है ब्रोंचिलस। फिर ब्रोंचिलस का एंड में ब्रोंचिलस का यहाँ पे एंड में, ठीक है, यहाँ का ब्रोंचिलस है, ब्रोंचिलस का एंड में क्या होता है एल्बोली होता है, ठीक है। ये एल्बोली क्या करता है गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएगा फिर तो यहाँ पे गैसेस जो होगा कहाँ पे एक्सचेंज होगा दैट इज एल्बोली में, ठीक है। अब ये आपका एल्बोली हमारा लंग्स में प्रेजेंट होता है, ये सपोज हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया। अब लंग्स में एल्बोली प्रेजेंट है और एल्बोली में बहुत सारा ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कुछ आपका ब्लड हो गया ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्या करेगा वो जो ऑर्गेन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा हमारा एल्बोली को दे देगा, ठीक है। और एल्बोली से क्या ले लेगा दैट इज ओटू ले लेगा, कौन ले लेगा ब्लड, और फिर वो ओटू लेके ब्लड क्या होगा डिफरेंट पार्ट्स बॉडी का डिफरेंट पार्ट का पार्ट में जाके वहां पे दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है। बिकॉज रेस्पिरेशन दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड
फूड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो एल्गोली प्रेजेंट होता है, ये वाला एल्गोली, ठीक है, इनके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इनके अंदर बहुत सारा कैपिलरीज होता है, ठीक है, कैपिलरीज, और कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एल्गोली यहाँ से O2 दे देगा ब्लड को और CO2 वापस ले लेगा, दैट इज हमारा CO2 ब्लड से ले लेगा, और जब CO2 ब्लड से ले लेगा एल्गोली, वो क्या करेगा, फिर से जाके वो ट्रकिया के थ्रो, नोस्ट्रिल के थ्रो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप था, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दैट इज ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो रिगार्डिंग खून के बारे में, ठीक है। तो आज मिलना ही मिलता है इस वीडियो में, तो कटेगा।